लगातार हो रही बरसात के कारण चंडीगढ़ के नाल लगते इलाके नागांव के कोल वगदी पटियाला की राव नदी का पानी का पद्धर भी लगातार वधदा जा रहा है। तो मौके पर प्रशासन वालों राहत के काम किए जा रहे हैं। तो पुलिस के SDM मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो लगातार पटियाला की राव नदी के पानी का पद्धर वधन के नाल लोगों को काफ़ी मुश्किल खड़िया हो गई ने, क्योंकि नदी नागांव के कोल बहती है। तो हुण इस दे पानी के पद्धर के वध जाने के नाल नदी की चपेट में लोगों के घर भी आने शुरू हो गए हैं। तो इतों के सिंघा देवी इलाके दे विच लोग छतों उपर खड़े ने, इस उम्मीद दे विच ने कि आखिर बरसात कदों रुकेगी, लेकिन हालात अजिहे नहीं लग रहे क्योंकि बरसात अजे भी लगातार हो रही है। अजिहे विच कई घर नदी की चपेट विच आउण दा खतरा बनिया होया है, जिसनों लैके स्थानक प्रशासन अलर्ट उत्ते है ते लगातार लोगों नूं पिछे हटण दे लई कहा जा रहा है। नदी के पानी का पद्धर इस तों पहलां इन्ना नहीं वेख्या गया, लेकिन लगातार 3 दिन तों बरसात हो जाण दे कारण नदी का पानी का पद्धर लगातार ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਸਿੰਘਾ ਦੇਵੀ ਕੀ ਨਿਆਗੋਂ ਕੀ ਨਦੀ ਜੋ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। आप देख सकते हैं कि गाड़ी बहने वाली है, एक तो तैयार है, जनता पास खड़ी हुई है, पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कोई ऐसा जान माल का कोई नुकसान ना हो जाए। आप मौका देख सकते हो, ये घर मकान, ये देखिए मैं बिल्कुल अभी इसके पास हूँ, आप देख सकते हैं घरों से पानी गुजर रहा है। ये मकान अभी भी कभी किसी टाइम भी वक्त रह सकता है। आप देख सकते हो नदी कितनी ओवरफ्लो हो चुकी है, पुलिस कितने लोगों को हटा रही है पीछे ताकि कोई ऐसा जान माल का कोई नुकसान ना हो सके। ये नया गाँव की पुलिस है जो नदी के मौके पर आ रहे। आप ये नदी देख सकते हो, ये नदी कितने जोर से आई है, कितनी स्पीड से सारी और कितने मकान बह चुके हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप कितनी स्पीड पे नदी है। ये पुलिस आ रही है, पंजाब सरकार की जो भी SDM नुमाइंदे हैं ये मौके पर पहुंचे हैं ताकि कोई जान माल का कोई नुकसान ना हो सके। आप देख सकते हो पुलिस कितनी हेल्प कर रही है। मौके पर हूँ नया गांव, ये देख लो अब मकान के बीच में से पानी आ रहा है, लोग कैसे खड़े हुए हैं और जान माल का कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है। अब देख सकते हैं लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। आप ये देख सकते हो मकानों में कितना कितना पानी भरा हुआ है, देखिए ये कैसे निकाल रहे हैं पानी के अंदर, ये कैसे सोएंगे और कैसे खाना बनाएंगे, ये हालात हो चुके हैं नया गाँव। नदी सिंघा देवी की नदी है, जहां लोग खड़े हैं
देख सकते कितने खतरे से ओवर बाहर हो चुकी है और इतनी स्पीड से पानी चल रहा है। अब देख सकते झुंगी झोपड़ियाँ कितनी बह चुकी हैं, लोग घरों से बाहर आ चुके हैं। पंजाब पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि कहीं कोई जान माल का नुकसान ना हो सके। पानी लोगों को झुंगियों में घुस गया है। आप देख सकते हो वो मकान, सामने मकान नज़र आ रहा है जो बिल्कुल सेंटर में है और पानी में पूरा भर चुका है। जाने के चक्कर में ये देखो गाड़ी पानी में बहने वाली है, कितनी स्पीड से पानी आ रहा है और गाड़ी में घुस गया है पानी। मालिक देख रहा है गाड़ी कैसे हम यहाँ से उठने, और कभी भी गाड़ी पानी में बह सकती है। डैम है जहाँ से पानी छोड़ा गया है, आप देख सकते हो ये।